सो गाइज आप सभी का वेलकम है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज अपन खेलने वाले हैं रेंच मिलिट्री का एपिसोड नंबर 20। और भाई लास्ट वाले एपिसोड में अपन यार 50 पिक लेके आ चुके थे, तो अपन इतने ज्यादा पिक ले आए तो उस सेकंड में मेरे पास रुपए भी बिल्कुल नहीं बचे हैं। एक तो टीवी को बंद करने दो, मतलब अपने पास रुपए बिल्कुल भी नहीं बचे। अपने पास कल लास्ट टाइम में शायद 1000 कुछ रुपए बचे थे, उसके बाद में मैंने थोड़ी बहुत एंटिंग की है और कुछ रुपए और कमाए हैं, तो वो भी अपन देखते कितने रुपए अपन और कमाए हैं। और आज अपन बाहर चल गए सुअर भी देखेंगे अपने पास सुअर कितने हो चुके हैं, मतलब कितने ज्यादा मोटे हो चुके हैं। तो अपने रुपए तो चुके हैं $2,278 और अभी सूर भी देखेंगे। लेकिन आज अपन एक ट्रेलर भी लेके आने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई ट्रेलर लेके आओ, ट्रेलर लेके आओ, तो वो भी लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले अपने अंडे वंडे इकट्ठे करने पड़ेंगे और एक मीट बॉल बचा है तो इसको भी लेके बेच के आने वाले हैं, ताकि अपने पास थोड़े और रुपए हो जाए। मतलब 3000 रुपए हो जाएंगे तो अपन उनका मुर्गी और इतना खाना पानी वो भी लेके आ जाएंगे और एक ट्रेलर भी लेके आ जाएंगे साथ साथ में। तो पहले जल्दी से इसको तो मैं डालता हूँ अपने कूलर के अंदर और इनका खाना पानी पूरा देख लेता हूँ कि इनका खाना पानी पूरा है कि नहीं है मुर्गियों के पास। और बाकी मौसम तो यार काफी ज्यादा सही लग रहा है, मतलब कि आज का मौसम काफी ज्यादा धूप भी निकली हुई है। कल तो यार बारिश होने लगी थी लास्ट टाइम में, और यहाँ पे एक मुर्गी एक्स्ट्रा है तो ये भी मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे एक मुर्गी और उठा लेते हैं, नहीं नहीं वो तो नहीं, पहले तो खाना पानी तो पूरा एक और उठा ही देता हूँ मैं यार, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा है तो इसको पहले तो पानी डाल देता हूँ, बाद में एक मुर्गी लेके जाए। ओ भाई पानी भी नहीं है इसके अंदर भी पानी नहीं है, मतलब पूरा पूरा पानी अपना खत्म हो चुका है। तो अपने को ये दोनों भी लेके जाने होंगे, आंटी जी के पास ले जाके अपन बेच देंगे। और ये हमारी मुर्गी इस साइड में छोड़ते हैं और इनका खाना पानी, हाँ इनका खाना पानी भी पूरा है और इनका भी देख लेते हैं अपने इनका खाना पानी कैसा है। इनका भी पूरा, हाँ इनका भी पूरा है। और बाकी मैंने इनका डाल देता हूँ, मतलब कि एक एक बोरी, तीन बोरी अपने पास पड़ी है तो मैं तीनों के अंदर एक एक डाल दूंगा, एक इस वाले में, एक बीच वाले में और एक लास्ट लास्ट वाले में डाल देंगे। तो ये तो पूरा फुल हो गया है और ये वाला इसमें तो नहीं, इसमें तो फुल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर तो दो या तीन बोरी और डलती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी रहने देते हैं। और ये लास्ट वाली एक और बची है तो मैं लास्ट लास्ट वाले में डाल के आ जाता हूँ, इसके अंदर वो मैंने डाल दिया है अभी लास्ट एक बचा तो इसके अंदर भी अपन डाल देते हैं। उसके बाद में अपन अपना नहीं है सारा सारा खाना डाल देते हैं, उसके बाद में अभी अपने सुअर देखने वाले हैं। और बाकी भाई देख रहे हो अपने सुअर कितने ज्यादा हो चुके हैं, इस साइड से भी देखो मतलब सुअर काफी ज्यादा हो चुके हैं, सुअर की तो कमी नहीं हो रखी। तो इनको अंदर चल के भी देखने वाले अपन की कितने ज्यादा मोटे मोटे हो रखे हैं। एक सेकंड खुल जाते हैं भाई, और यहाँ पे काफी ज्यादा मोटे मोटे हो चुके हैं और अंदर की साइड में कितने ज्यादा दिख रहे हैं इनको देखने वाले हो। यो भाई मोने मैंने बोले इतने ज्यादा हो रखे हैं कि यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, काफी ज्यादा गेम भी है, थोड़ा लैग हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा लैग हो रहा है। अंदर की साइड में भी देखो कितने सारे, मतलब गाय तो दिख भी नहीं ना, नहीं गाय तो दोनों एक ही साथ में है इसलिए दिख गई, मेरा गाय तो दिखती भी नहीं इनके बीच, गाय गाय कहाँ पे अपनी, और खाना और पानी में इनका पूरा पड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ इनकी पोटी में साफ कर लेता हूँ जितनी भी बाकी, पोटी का साफ करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, वेरी 50 सूर है तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा अपने को। बाकी मैंने फाइनली पूरी पूरी पोटी साफ कर दी, मैंने थोड़ी सी पोटी बची है, मतलब कि लगभग मैंने पूरी साफ कर दी, वह थोड़ी बहुत तो बच गई होंगी जो मतलब सुअर जिनके ऊपर चल रही है जो मेरे को दिखी नहीं ना, वो पोटी बच गई और काफी ज्यादा बच गई होगी, लेकिन बच गई कुछ पोटी। तो अभी तो अपन जल्दी से अपनी बकेट उठाते हैं दूध की, उसको दूध डाल के लेके चलते हैं। और दूध वाली बकेट भी मैं कल यार मैंने वहाँ पे काफी ज्यादा ले ली थी, तो दूध वाली बकेट में हमने काम आती है क्योंकि अंदर की साइड में जितनी भी बकेट है ना वो सारी की सारी मिल्क से भरी हुई है और ये वाली खाली है, तो इनसे भर लेते हैं अपन दूध। ओ भाई मुन साइड में हो जाओ यार, ए चुनू मुनू थोड़ा साइड में भाई, ओ प्लीज साइड में हो यार थोड़ा। तो यार किस साइड से निकला मेरे को समझ में नहीं आया, इतने ज्यादा सूर हो गए हैं कि अपने निकलने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है, इस साइड से भी नहीं निकला जा रहा है। ओ हाँ हाँ थोड़ी सी जगह मिली, हाँ बस बस अभी इस गाय का दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद में दूसरी वाली गाय का भी दूध निकालेंगे। और दूध तो यार अपने पास बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है क्योंकि यार तीन बाल्टी अंदर और एक अपना बड़ा वाला मिल्क का कैन है वो भी भरा रखा है, और अभी दो बकेट और बढ़ने वाली है। तो बाद में अपन चीज भी देखेंगे, या तो अपन आज बना लेंगे, मतलब चीज बनाने के लिए पहले तो अपने ब्लू मोल्ड भी लेके आना होगा। तो अभी अपन जब चलेंगे ना मतलब की ट्रेल लेने के लिए आंटी जी के पास, तो मैं ब्लू मोल्ड भी साथ साथ में ले ही आऊंगा, लेकिन पहले तो अपनी दूसरी गाय का अपन दूध निकालते हैं। यार ये सुअर अभी काफी ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे मुन्ने साइड में, प्लीज यार मैं थोड़ा सा और आगे जा, ये आगे भी नहीं हो रहा, पहले तो बकेट रखता हूँ। ओ भाई बकेट रखते हैं मतलब साइड में हो गए, तो कोई नहीं अभी अपन चलते हैं यहाँ से और इसको भी करते हैं बंद। अभी मतलब सारी सारी अंदर इनको यार खाने डालने की दिक्कत नहीं आ रही, वरना तो इनको खाना डालते ना तो अपने को काफी ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि इनका खाना बोरी लाल लगे अपन डालते तो भाई कितने चक्कर मारने पड़ते, समझ में नहीं आता क्योंकि एक बार में पता नहीं है कितना खाते हैं 50 सूअर एक ही बार में। बाकी अपनी दूसरी गाय किस साइड में गई यार, इस साइड में भी नहीं है, दिख भी नहीं। ओ भाई दिख दिखी दिखी दिखी, मैं सोचा दूसरी गाय किस साइड में गई, और ये देखो सूअर ने मुंडी चला रखी है, मतलब दूध पी रहा है, तो इसका दूध नहीं पीने देंगे, पहले अपन दूध निकाल लेंगे, वैसे दूध पीते नहीं है तो कोई नहीं, अपन दूध मैंने निकाल लिया इस गाय का भी, तो उसका गाय का भी दूध लेके चलते हैं अपन यहाँ से। बाकी अपने सूअर तो इतने खतरनाक मतलब इतने ज्यादा हो चुके हैं कि बाहर भी नहीं निकलने देते हैं यहाँ से, ये देखो पीछे की आगे पीछे मतलब सूअर ही सूअर हो रखे हैं। वे एक एक छोटा है, बकरी तो अपने पूरे पूरे बड़े हो रखे हैं, तो इनको भी अपन मार के बेचेंगे, लेकिन आज तो बड़े नहीं हुए, अभी तो दो तीन दिन और रखेंगे, उसके बाद में बेचने वाले हैं। बाकी इनके पास पानी पूरा खत्म हो गया तो पानी डाल देता हूँ पहले तो मैं, एक लास्ट बकेट मतलब ये लास्ट एक बकेट बची है मेरे पास जो खाली है, बाकी तो सारी सारी दूध की भर चुकी है।
इसके अंदर एक, इसके अंदर दो पानी, हाँ इसके अंदर पानी है, तो पहले मैं बकेट रख लेता हूँ, इतने में वो जो पानी वो भी भर जाएगा पूरा का पूरा उसके अंदर बकेट के अंदर, इतने में मैं दूध की बाल्टी रख के आराम से चल जाएंगे। ये देखो अपने पास वन, मतलब कि काफी ज्यादा बाल्टी हो चुकी है, एक बाल्टी और है तो वो भी मैं लेके आ जाता हूँ, उसके बाद अपन गिनेंगे कि अपने पास कितनी बाल्टी हो चुकी है। और ये कूलर ये मैं अपनी ट्रक के अंदर रख देता हूँ ताकि अपन जाते टाइम अपन लेके चलेंगे। इसके अंदर एक मीट बॉल का पीस है तो मैं इसके अंदर लेके, वो अपन अकेले हाथ में भी लेके चल सकते थे, मतलब डायरेक्ट ट्रक के, लेकिन मैं सोचा कि कूलर ले ही चलते हैं साथ में, क्या पता खराब वराब हो जाएगा, वो खरीदेगा कम रेट में खरीदेगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी इसके अंदर पानी नहीं, ओ भाई मतलब आज तो पूरे के पूरे कंटेनर खाली हो चुके हैं, मतलब ये मुर्गियाँ पता नहीं है कितने, मतलब कि पिछले 5 दिन 4 महीने इनसे इनको पानी डाला था, मतलब पूरे पूरे कंटेनर खाली हो चुके हैं। इस वाले कंटेनर में देखते हैं पानी है कि नहीं है, बाकी इसके इसके अंदर भी नहीं है भाई, मतलब किसी कंटेनर के अंदर पानी बचा ही नहीं है, उस साइड में कंटेनर इसके अंदर तो शायद बचा होना चाहिए, तो मैं कल ही लेके आया था। इसके अंदर हाँ भाई इसके अंदर है, मैं सोचा भाई इसके अंदर भी खत्म हो गया, तो अपने को पहले पानी लेके आना होगा, इनका खाना भी खत्म हो गया है तो अपने को जल्दी से खाना और पानी दोनों लेके आने होंगे। पानी तो थोड़ा पड़ा है, मैं पानी बाद में ले लूंगा, लेकिन खाना तो अपने को लेके आना पड़ेगा। बाकी मैं बकेट छोड़ कर रहा हूँ, पहले तो पानी डालना अपने को यहाँ पे, तो इनको मैंने पानी डाल दिया है, अभी जल्दी से अपन चलते हैं। और ये जितने भी कैन, मतलब खाली कैन बचे हैं वाटर वाले, वाटर टैंक बचे, इनको अपन ले ज्यादा टाइम लेके चलेंगे, इनको बेच देंगे आंटी जी के पास। आंटी जी इनके ज्यादा रुपए देती नहीं है, लेकिन कोई नहीं यार, कुछ रुपए देंगे वो तो अच्छा है, वरना घर पे ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो उससे उसको बेच देंगे। और ये वाली लास्ट पैकेट भी यहाँ पे रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब भाई अपने पास 4 बाल्टियां हैं, एक अपने आप 7 लीटर पैन के अंदर है और एक अपनी बड़ी वाली कैन है, तो जल्दी जल्दी में दो बचे हैं तो इनको मैं रख लेता हूँ। और अभी अंडे भी उठाने वाले अपन, तो पहले मैं अंडे उठा लेता हूँ, एक लास्ट होता है वो बाद में उठा लेंगे, पहले इस वाले मुर्गा फार्म में अपन अंडे उठाते हैं। और अंडे भी भाई मैंने लास्ट टाइम में भाई मतलब 5 या 6 दिन तक अंडे उठाए नहीं थे, तो अंडे भी अपने काफी ज्यादा हो गए होंगे मेरे को जहां तक लगता है। तो पहले ओ भाई काफी ज्यादा अंडे हो चुके हैं, मतलब अंडों की तो कोई कमी नहीं है, तो सारी सारी मैं अंडे उठा लेता हूँ यहाँ पे, जितने भी अंडे पड़े हैं अपने, क्योंकि ऊपर की साइड में भी अंडे काफी ज्यादा हैं और नीचे की साइड में भी अंडे काफी ज्यादा हैं, तो इनकी पोटी भी साफ कर दूंगा, अंडे भी उठा लूंगा। और भाई आज तो मतलब 2x में भी इतना टाइम लग रहा है अंडे उठाने में, तो मतलब कि वैसे तो पता नहीं कितना टाइम लगा था, इतने ज्यादा अंडे रखे। तो चूजे भी यहाँ पे यार काफी ज्यादा निकल के आ चुके हैं यार, एक भाई ने कमेंट किया था कि यार 100 चिकन चैलेंज करो, तो भाई 100 चिकन तो शायद तक अपने पास पहले से हैं मेरे ख्याल से, बाकी अपन इनको गिन भी लेंगे कि कितने हैं, आज तो नहीं गिनने वाले बाद में गिनने वाले। बाकी मेरे ख्याल से यार 100 चिकन तो नहीं होंगे, तो 50 तो पक्के पक्के अपने पास जरूर से हैं, बाकी 100 भी अपन कर लेंगे, लेकिन पहले यार अपन सुअर मारेंगे उसके बाद में गिनेंगे। तो इस वाले से भी मैं उठा लेता हूँ जितने भी अंडे हैं सारे सारे, क्योंकि भाई क्या होता है कि अगर एक ही बार में 100 और वो ले आएंगे चिकन तो गेम काफी ज्यादा लैग मारेगा, तो पहले अपन सुअर बेचने वाले हैं उसके बाद में अपन चिकन लेके आएंगे। भी जितने अंडे मैं साइड साइड उठा लेता हूँ, और नीचे की साइड में भी कुछ अंडे पड़े तो साइड साइड उठा लेते हैं। बाकी मैंने साइड साइड अंडे उठा लिए, मतलब कुछ अंडे बच गए थे जिस दिन के सामने यार मुर्गी आ रही थी वो उठाने नहीं दे रही थी, तो मैंने उनको छोड़ के बाकी साइड साइड अंडे उठा लिए। अभी यहाँ से भी मैं अंडे उठा लेता हूँ, एक तो ये बाकी साइड में 2 पीसेस पड़े हैं अंडे के उठा लेता हूँ। बाकी यार ये वाले नेट से अपन यार वो बना लेंगे, अपना चीज है ना उसके अंदर अंडे डालेंगे तो काफी ज्यादा महंगा बिकता है, तो वो मनाएंगे। बाकी अंडे की ट्रे यार अपनी मतलब पूरी की पूरी भर चुकी है, एक भी मतलब ऐसे लग भी नहीं रहा इसके अंदर और भी अंडे आ सकते हैं क्या, तो इसको भी अपने ट्रक के अंदर रखते हैं और अपने जो टैंक है वो भी लेते हैं और बाद में चलते हैं जल्दी से अपने। पहले तो मैं बर्गर शॉप पे चलूंगा, उसके बाद में आंटी जी के पास चलूंगा, और तो यहाँ पे एक वाटर टैंक ये वाला तो ये भी ले लेते हैं, इसको भी लेके चलते हैं, क्योंकि अपने पास टोटल 4 वाटर टैंक है जो खाली हो और एक ही वाटर टैंक बचा है जिसके अंदर पानी है, क्योंकि बाकी तो सारे सारे खाली हो चुके हैं, तो इसको भी यहाँ पे रखते हैं। और ये भी यहाँ, और अभी अपने ट्रक को थोड़ा आगे लेने के बाद में जितने भी और वाटर टैंक है ये भी रख लेंगे। और वाटर एक कूलर तो अपने को यार काम है, कूलर तो वापस थोड़ी बेच के आएंगे यार, कूलर तो अपने को कुछ भी अपन चीज वीज रखेंगे या फिर कुछ भी रखेंगे तो उसके लिए काम में आ जाएगा अपने। तो ये जल्दी जल्दी मैं लोड कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन चलने वाले हैं। और आज तो कलर भी चेंज करवाएंगे यार, कलर भी चेंज करवाना अपने को, क्योंकि कमेंट आया था कि भाई एक तो बेबी पिंक कलर करवाओ, तो आज बेबी पिंक के कलर करवाने वाले हैं। बाकी एक दो कलर और कमेंट आ रखे थे तो वो भी अपन करवाएंगे, लेकिन आज पहले अपन बेबी पिंक करवाएंगे उसके बाद में और करवाएंगे। तो देखते हैं यार बेबी क्रीम कलर कौन सा होता है, मेरे को पता नहीं यार बेबी क्रीम कलर कैसा होता है, तो अभी तो अपन जल्दी से चलते हैं। और बाकी यार मैं रोड रोड से जाने वाला हूँ, क्योंकि नहीं आज जंगल से चलेंगे यार, उससे काफी ज्यादा लंबा पड़ता है, तो आज जंगल से चलने वाले हैं, तो जंगल की तरफ से लेते हैं अपन जल्दी से यहाँ से। बाकी जल्दी से मैं आ गया हूँ अपने, मतलब कि पहुंचने वाला हूँ, अपने कलर चेंज करवाएंगे पहले, तो उसके बाद में अपन अपने बर्गर शॉप के ऊपर चलेंगे। और अपने मतलब दोनों गाड़ी हैं तो यहाँ पे अपन ट्रेलर लेके आएंगे, उसके बाद में ट्रक लेके जाएंगे, ट्रक को यहीं पे खड़ा कर देंगे, लेकिन पहले तो मैं कलर चेंज करवा लेता हूँ। और भाई बेबी पिंक यार मेरे को पता नहीं कौन सा था, आप कमेंट में बता देना यही बेबी पिंक है कि और कोई बेबी पिंक है, मेरे को तो यही लग रहा है। बाकी आप कमेंट में बता देना कौन सा बेबी पिंक है, तो उसको बाहर निकाल के देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा मतलब कि ये अच्छा लग रहा था कि पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे देखेंगे, एक सेकंड यहाँ पे लगा के देखते हैं आराम से।
यार ये, हाँ ये यार मेरे को उससे पहले वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा है स्काई ब्लू कलर से। तो आप कमेंट बताना आपको कैसे लग रहा है, और भी कलर बता देना अपन कौन सा कलर करवाएं ट्रक को, तो वो भी अपन करवा लेंगे एक, तो इसको आराम से पागल करते हैं भाई। आज बस एक ट्रक के अंदर वापस ना बैठ जाए यार, ये बंदा भाई इतना मतलब डीट हो रखा है कि बार बार में ट्रक के अंदर ही बैठेगा पहले। लो तो इसकी प्राइस कितनी आ रखी है रो, ओ भाई एग की प्राइस ज्यादा रखी, तो एग तो अपन बेचने वाले। एक सेकंड में कुछ ऐसे कैसे लग रहा है यहाँ पे, कुछ यार नया नया है यार, मतलब यहाँ पे बेंच यार दो पहले तो थोड़ी अलग थी लेकिन आज थोड़ी नई नई, पता नहीं इसने यार जब से अपने पहले वाले पार्ट इसके अपने बेइज्जती मार दी थी, कह रही सफा साफ सफाई नहीं करता, तो इसने यार उसके डर में अपने मतलब पूरा बदल ही लिया सारा स्टूडेंट इसने बदल लिया। तो अभी अपन अंडे बेच देते हैं, तो अपना एक अंडा $8 का बिक रहा है अपने पास, टोटल 190 भाई 190 अपने पास अंडे हैं, तो इनको मैंने बेच दिया तो अपने पास रुपए हो गए $3,748। तो यार आज से मतलब थोड़ी यार उसकी सुअर की रेट बढ़ाना, तो अपन सुअर भी लेके आने वाले हैं जल्दी। तो ये कह रहा है जब भी तू आए तो मेरे को बता देना, मैं थोड़ी रेट वेट बढ़ा दूंगा तेरे लिए। तो अभी अपन जल्दी से पहले तो अपन देख, मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपन आंटी जी पास चलेंगे, और नहीं नहीं पहले मैं इस ट्रक को नहीं लेके जाने वाला, ट्रक को में तो वो लगने ही वाला नहीं वाला ट्रेलर, तो अपने को गाड़ी लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से अपनी गाड़ी लेते हैं और बाद में आंटी जी के पास चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर यार पीछे की साइड में देख रहे हो कुछ भी नहीं है लगाने के लिए, तो अपन ट्रेलर नहीं लगा सकते। तो इसके अंदर तेल थोड़ा कम है गाड़ी के अंदर, तो मैं तेल की कैन लेके आ चुका था घर से ही, तो इसको भी अपन तेल को डाल लेते हैं, और जितनी भी ये वाटर टैंक है ना चार के चार ये इसके अंदर रख लेते हैं, उसके बाद में आंटी जी के पास चलेंगे और ये तो उनको बेच देंगे और वहाँ से ट्रेलर ले लेंगे। और ट्रेलर हमें पता नहीं कितनी प्राइस का आता है, बाकी लगभग सही तक मैंने देखा था पहले तो 2000 का था, लेकिन पता नहीं मेरे को ढंग से याद नहीं, फिक्स प्राइस याद नहीं कि मेरे को कितने रुपए का आता है। बाकी मैंने चाय चलो ये भी रख लिए हैं वाटर टैंक, अभी इसको बंद करते हैं ट्रक को वापस आके मतलब पहले ट्रेलर लेंगे, उसके बाद में अनाज की बोरियां घर के ऊपर छोड़ के आने के बाद में अपन ट्रक को लेकर जाएंगे। पहले तो मैं यार एक सेकंड ये चीज तो मैं भूल ही गया, इसको लेते हैं और इसको ट्रक के अंदर वापस रख देते हैं, अभी अपन जल्दी से चलेंगे क्योंकि इसको करते बंद। और पहले तो मैं सोचते कलर भी चेंज करवाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इसके भी कमेंट आते इसके भी कलर चेंज कराओ गाड़ी का, और एक भाई ने कमेंट किया था यार रेड कलर कराओ, तो अपन रेड कलर करवाने वाले हैं। तो जल्दी से पहले अपन देखते कि यहाँ पे और कौन से कलर है यार, देखेंगे कि रेड ज्यादा अच्छा लगता है या फिर और कोई कलर। ओ भाई यार ड्रिफ्ट काफी ज्यादा शानदार मारी थी लेकिन लास्ट में आ गया गाड़ी ठुकी गई, तो पहले तो अपन कलर चेंज करवा लेते हैं, बाकी रेड ही करवाएंगे यार, भाई ने कमेंट में रेड किया तो रेड ही करवाएंगे, और कोई कलर अपन बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे ब्राइटनेस। और आप बाकी आप भी नेक्स्ट पार्ट में बता देना कि कौन सा कलर करवाएं, और जो कलर आप बताओगे अपन वही वाला कलर करवा लेंगे। और पहले तो इसको देखते हैं कैसा लग रहा है अपने ये वाला कलर, थोड़ा धूप में ले जाके। ओ भाई यार काफी ज्यादा अच्छा कलर लग रहा है मेरे को तो यार ये, मतलब कि हाँ भाई ब्लैक से तो काफी ज्यादा अच्छा कलर लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर मिक्सिंग है कि आधा ये ब्लैक कलर है आधा व्हाइट कलर है। तो अभी अपनी गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो अभी इस गाड़ी को लेकर चलेंगे आंटी जी के पास, और आंटी जी से भी पूछेंगे कि कैसा ये कलर लग रहा है, आंटी जी बताएंगे कि कैसे अपने एक कलर लगेगा, उसी से पूछने वाले अपन। अभी तो जल्दी से चलते हैं अपन आंटी जी के पास, बाद में उससे पास में जाके पूछने वाले हैं। और बाकी यार इस गाड़ी को मतलब चलाने में काफी ज्यादा मजा आया, जब से मैंने ट्रक छोड़ा ना उसके बाद में इस गाड़ी को चलाने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि ट्रक को यार इतना ज्यादा मतलब कि कंट्रोल नहीं होता, ये वाली गाड़ी तो काफी ज्यादा अच्छी कंट्रोल हो जाती है, उसको चलाने के बाद में इस गाड़ी को कंट्रोल ज्यादा अच्छा हो गया अपने को, मतलब गाड़ी इतनी अपनी भिड़ नहीं है बार बार में। ओ भाई मतलब इतनी ज्यादा भीड़ तो नहीं रही, लेकिन यार ड्रिफ्ट भी काफी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मारती, ट्रक तो पूरा लगभग पूरा घूम जाता है लेकिन इतनी ज्यादा गाड़ी घूमती नहीं है, तो इसको लगाते हैं हमने यहाँ पे। और आंटी जी से अपना सामान भी खरीद लेंगे, नहीं पहले सामान नहीं खरीदेंगे भाई, पहले ट्रेलर खरीदने वाला हूँ, क्या पता बाद में रुपए ना बचे। गाड़ी देख रहे हमें कितनी अच्छी लग रही है, आंटी जी से भी पूछ लेते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून आंटी जी, देखो बाहर अपनी गाड़ी खड़ी, देखो रेड कलर की दिख रही है आपको, कह रही है मेरे को दिख रही है मेरा फेवरेट है रेड कलर, तो तूने रेड कलर करवा के बहुत अच्छा काम किया है। तो आंटी जी भी खुश हो गई है, अभी अपन जल्दी से ले लेते हैं अपना ट्रेलर। और आंटी जी कह रही है चाहे तुम्हें कितनी खुश कर दे तुम मेरे को, लेकिन मैं ट्रेलर के रुपए बिल्कुल भी कम करने नहीं वाली, ट्रेलर उतने ही रुपए का मिलेगा, तो ट्रेलर देख लेते हैं। ओ भाई ट्रेलर एक है 2100 का, और ये है कार ट्रेलर, और एक है 600 का, तो मैंने बड़ा वाले ले लिया। इसके अंदर अपने को कार भी मतलब ट्रक भी लेके जाना है, क्योंकि अपने काफी दिनों से ट्रक वहीं पे खड़े हैं, तो मतलब दो दो गाड़ी में एक जब भी कोई गाड़ी लेता हूँ तो एक गाड़ी वहीं पे छोड़ देता हूँ। तो अभी अपन ये वाला ले लेते हैं, उसके बाद में अपन ट्रक भी लेके आएंगे, अभी तो मैं खाना भी लूंगा। और बाकी इसके यार टायर कहाँ गए, इसके टायर तो इसके मिट्टी के अंदर चले हुए हैं, पता नहीं है ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई मतलब कि पीछे की साइड से खुल रहा है, वाह यार मतलब पीछे की साइड से शायद अपने गाड़ी को इसके ऊपर लगा सकते हैं, मतलब आराम से इसके अंदर लोड कर सकते हैं। बाकी यार काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसको पहले मैं लगा के देखता हूँ यार, मेरे को ऐसे कैसे लग रहा है निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके टायर वो मिट्टी के अंदर फंसे हुए हैं बिल्कुल। ये ट्रेलर पहले तो पीछे की साइड में करके आराम से, और ये जितने भी यार ये बाद में बेचेंगे, पहले तो उसको लगाते हैं आराम से भाई, पीछे आराम से पार्क हो जाए। बाकी लगेगा इससे, ओ भाई शीशे लगेगा, मतलब मेरे को पता नहीं था किससे लगने वाला, तो शीशे लगने वाला है, तो उसको भी मैंने लगा लिया। अभी इसको यार मतलब कि चला के देखते हैं कैसा मतलब चलता है। बाकी एक टायर देखो, एक टायर मतलब अभी भी मिट्टी के अंदर फंसा हुआ है, तो इसको अपने को पहले तो सही करना पड़ेगा। बाकी सही कैसे होगा यार ये, इसको पहले तो इस साइड में भी नहीं सही नहीं हो रहा है,
इसको एक सेकंड, इसको नीचे उतर के, नहीं नहीं पहले तो वापस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इसका जो पीछे से अटा के बाद में इसको अपन ऊपर उछालने वाले हैं जैसे आर दबा के। तो आराम से आर से क्लिक करो। हाँ अब तो टायर ऊपर आ गया, पहले देख। हाँ अब तो टायर आ गया, आ गया, दिख गया, दिख गया। मतलब अब दोनों टायर ऊपर आ चुके हैं, अभी अपन इसके अंदर अटैच करके बाद में देखते हैं कि अपने मतलब कि कैसा चल रहा है ये। मतलब अच्छा चलता है कि अपने को, यार मेरे को लगता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि काफी ज्यादा लंबा है, ट्रक से भी ज्यादा लंबा है। तो जैसे अपन गाड़ियां वीडियो मोड़ेंगे या फिर लंबे रास्ते से लेनी पड़ेगी, अपन डायरेक्ट जंगल से लेंगे तो यार काफी ज्यादा दिक्कत होगी, या फिर अपने पेड़ काटने के बाद में अपन जंगल से ले सकते हैं। तो आराम से मैंने कैसे जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पे लगा दिया यार, मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत आई। मतलब मैं मोड़ उस साइड में मुड़ता है और किसी साइड में, तो मैंने काफी ज्यादा दिक्कतों के बाद में धीरे धीरे करके कैसे तैसे करके यहाँ पे लगा दिया है। मतलब दोपहर से शाम हो गई इतनी देर बाद में मैंने इसे लगाया है। तो इन सभी को मैं बेच देता हूँ चारों चारों के। बेचने के बाद में अपने पास सिर्फ $8 दिया आंटी जी ने, मैंने $2 का एक लिया है। तो अभी अपन 10 बोरिया ले लेते हैं, 10 की 10 बोरिया मैंने ले लिए हैं। और मैं सोच रहा हूँ 5 अपने ना जो ब्लू मोल्ड के पैकेट हैं वो भी ले लेते हैं, यार बार बार में अपने को आना पड़ेगा। बाकी यार 5 लेने के बाद में अपने पास रुपए तो बहुत ज्यादा कम बचने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं अपन ले लेते हैं और देखते हैं अपने पास रुपए भी कितने बचते हैं। और तो कुछ अपने को ना, और तो कुछ अपने को मिलना लेना भी नहीं यहाँ पे। तो बाकी तो कल तो अपनी अच्छी प्राइस हो जाएगी, लेकिन आज अपनी प्राइस देखते कितनी बचती है हमें लास्ट टाइम में। ओ भाई अपने सिर्फ $156 बचे हैं, तो ज्यादा डॉलर अपने पास बचे नहीं है। तो अपना जितना भी सामान है ना मैं लोड कर लेता हूँ, बाकी कल तो अपनी यार काफी ज्यादा कमाई भी हो जाएगी क्योंकि अपने शायद सुअर बेच के आएंगे ना, तो अपने पास काफी ज्यादा रुपए आ जाएंगे मेरे ख्याल से। यार कमेंट में बताना अपने मतलब 54 सुअर है तो उन सभी को अपन बेचेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे अपने पास। तो अभी तो मैं सारे सारे सामान लोड करते हैं, बाकी अपने कल देखेंगे कितने अपने रुपए आ जाएंगे। उसके बाद में तो अपन सब हर कुछ कर सकते हैं, मतलब बड़े से बड़ा घर, बड़े से बड़ी गाड़ी ले सकते हैं अपन। बाकी ट्रेलर तो अपन ने आज ले लिया है, बाकी सारी सारी चीज मोल्ड मतलब ब्लू मोल्ड है वो मैंने सारे ले लिया। और आंटी जी को भी कर देता है बाय। और जितनी बोरियत थी वो भी मैंने सारी सारी लोड कर ली, मतलब बोरियत थी ना वो मैंने गाड़ी पे लोड कर ली आगे की साइड में, और पीछे की साइड में देखो सिर्फ मतलब कि ब्लू मोल्ड पड़े हैं। ये मैंने ऐसे किया तो कि आपने ब्लू मोल्ड आसानी से दिख जाए, बोरी के अंदर मिक्स ना हो जाए, वरना उतारते टाइम में दिखेंगे नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अभी तो अपन जल्दी से घर पे चलते हैं, बाकी मैं जल्दी से घर पे आ चुका हूँ अभी, बस आराम से यहाँ से अपने वहाँ बस आराम से इसी साइड से आना पड़ता है, रोड रोड की साइड से, वहाँ पे तो अपन आ ही नहीं सकते। तो आराम से इसको यहाँ पे पाग लगाते हैं और जितना भी खाना है मुर्गी को डालना पड़ेगा। रात हो गई यार, मुर्गी मतलब एक वाली मतलब इस साइड वाला जो अपना फार्म है ना, इस वाली मुर्गी तो सुबह से भूखी मर गई होंगी शायद तक। तो इनको भी खाना डालते हैं जल्दी जल्दी, इनका खाना भी खत्म यार, जल्दी से खाना उनको भी डालना पड़ेगा अपने को। तो जल्दी जल्दी जितनी बोरियां मैं साइड साइड नीचे उतार लेता हूँ। एक सेकंड भाई तू भी भाई जल्दी से इनको सभी को खाना डालना पड़ेगा। आ जा तो भाई, बोरी बोरी हाथ में नहीं आ रही इनको। ओ भैया 2 बोरियां और पड़ी थी, लेकिन कोई नहीं मैंने सभी को खाना डाल दिया। और अपनी साइड साइड जितनी भी बोरियां थी ज्यादा बच गई उनको भी मैंने नीचे रख दिया है, और गाड़ी की लाइट भी बंद कर दी है। अभी जितने भी ये अपने ब्लू मोल्ड है इनको मैं अंदर ले जाके रखता हूँ, और चीज अपन सुबह उठ के बनाएंगे। अभी तो अपन सोने वाले हैं और सुबह उठ के अपन देखते हैं टाइम होगा तो अपन चीज बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन ट्रक लेके आने वाले हैं उसके बाद में चीज बनाएंगे। तो अभी सारे सारे पैकेट लेके आ जाता हूँ, बाकी मैं सारे सारे पैकेट लेके आ चुका था, लास्ट एक पैकेट जाता था ये भी मैं लेके आ चुका हूँ, ये मैंने सारे सारे टेबल पर रख दिए हैं। अभी अपन चल के सोने वाले हैं, तो सोने से पहले यार अपन लाइट ऑन जरूर करेंगे क्योंकि मेरे को डर बहुत ज्यादा लगता है यार, तो ये वाली लाइट भी ऑन कर दी। अभी जल्दी से सो जाते हैं अपन और सुबह उठने वाले क्योंकि सुबह अपने को काफी ज्यादा काम भी करना है यार। बाकी गुड मॉर्निंग गाइज, एक और नए सुहाने दिन के साथ अपन जल्दी से उठ भी जा गए हैं। बाकी यार ये ब्लैक ब्लैक क्या हो रखा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ग्लीच हो गया क्या हो गया यार। मेरे को लगता है 50 पिक लेके आ गए ना, तो मेरे को लगता है ग्लीच हो गया है कि साथ में 50 पिक यहाँ पे एक ही एरिया में लेके आ चुके। बाकी साइड चले जब भी ब्लैक ब्लैक यार, ये पता नहीं क्या हो रखा है यहाँ पे अपने यार। चीज तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ब्लैक ब्लैक काफी ज्यादा हो रखा है, तो पहले तो अपन ट्रक लेके आएंगे। तो एक चीज तो मैं मनाने के लिए छोड़ जाता हूँ, बाकी तो अपने यार पेन भी लेके आना थी, तो मैं पेन तो भूल ही गया, पेन अपने पास एक है तो इसमें तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको तो रख देते हैं वापस उसको मतलब बनने देते हैं। चीज इतने बनेंगे ना तो इतने बने यार वो लेके आ जाएंगे मैं ट्रक। और बाकी इस ब्लैक ब्लैक का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो रखा है यार। बाकी साइड में भाई मतलब बाकी साइड में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और जैसे घर के अंदर जाते हैं तो अब जाता है पता नहीं है क्या हो रखा है। वापस घर के अंदर चल के देखते हैं कि क्या होता है, वापस देखो मतलब जैसे बाहर चलेंगे तो नहीं होगा, अंदर जाएंगे तो वापस पता नहीं है ब्लैक ब्लैक क्या हो रखा है। तो इसको रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे यार। अभी तो अपन चलने वाले ट्रक लेने के लिए, उसको भी सही करने वाले हैं, उसके बाद अपन चीज वीज सारे के सारे मनाएंगे। तो कल रात को मैंने शायद हाँ अटैच से हटा देता हूँ इसको, पहले तो अटैच कर लेते हैं उसके बाद में अपन चलने वाले हैं। और बाकी अपने सुर को भी देख लेते हैं थोड़ा कि कैसे मस्त मतलब बिल्कुल सारी से अंदर घुसे हुए, मतलब बाकी साइड में थोड़े बहुत हैं, बाकी सारे सारे अंदर की साइड में घुसे हुए हैं। तो इनको अंदर रहने देते हैं और अपन चलते हैं जल्दी से अपना ट्रक लेने के लिए। बाकी गाड़ी को काफी ज्यादा दिक्कत आती है घुमाने के लिए, जब से इसको ट्रेलर लगाया ना
जिसको यार अपने काफी थोड़ी लंबाई से घुमानी पड़ती है ताकि ट्रेलर पीछे से ठुक भी ना जाए किसी के अंदर। ओ भाई आराम से। और ये कह रहे गेट का यहाँ के पता नहीं यहाँ पे आके इन्होंने दो लकड़ियाँ क्यों लगाई यार, यहाँ पे जाने के बाद तो काफी ज्यादा दिक्कत आती है और रोड को तो पता नहीं कितनी दूर से घुमाना पड़ता है। तभी तो जल्दी से चलते हैं अपन, अपने जल्दी से मैं भगाते भगाते आ भी चुका हूँ। और बाकी ट्रक अपना किस साइड, हाँ ट्रक तो साइड में खड़ा कर गए थे, तो आराम से यहाँ पे लगाते हैं, बाद में ट्रक लोड करते हैं और उसके बाद में चलने वाले अपने घर पे। और बाकी इसको यार मतलब लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, मतलब कि मैं मोड़ूंगा किसी साइड में, ये मुड़ेगा किसी साइड में, देखो मतलब इसको यार पहले आराम से लगाएंगे इसको, मतलब बिल्कुल अपने को बारीकी से लगाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि कैसे लगने वाली है, तो इसको आराम से। हाँ बस बस मतलब इसके अंदर है क्या कि मतलब कि जब अपन उस साइड में मोड़, मतलब कि राइट हैंड साइड में मोड़ेंगे तो जब तो ये लेफ्ट साइड में घूमेगा, और जब लेफ्ट में मोड़ेंगे ना तब ये राइट साइड में घूमेगा, तो इसको जैसे तैसे करके मैंने पार्क में तो लगा दिया। पार्क में कहाँ से लगा दिया भाई, आराम से बस बस, मतलब ये पार्क में नहीं लगाया भाई, यहाँ पे लोड करने के लिए लगा दिया है। तो अब इसके अंदर अपन ट्रक लोड करते हैं और बाद में अपने घर पे चलने वाले हैं, लेकिन ट्रक लोड के अंदर हो जाएगा यार, एक तो अपनी गाड़ी खड़ी है एक ट्रक है, लेकिन ट्रक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अपने वो ट्रक लेके चलते हैं। गाड़ी अपन अगले राउंड में लेके चलेंगे, जब एक नई गाड़ी वो ले लेंगे ना तो इस गाड़ी को नई वाली गाड़ी को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि दो गाड़ियाँ आ जानी चीज़ के अंदर एक ही बारी में। बाकी ट्रक का पता नहीं यार आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं वरना अपन ये वाली नई वाली गाड़ी लेके चलेंगे, नई वाली नहीं जो मतलब पहले वाली गाड़ी है ये वाली लेके चलेंगे। तो ट्रक को आराम से लोड कर लेते हैं, आराम से बिल्कुल आराम से करना पड़ेगा। नहीं यार लोड कैसे नहीं हो रहा भाई, आगे कैसे नहीं चल रहा, एक सेकंड इसको पहले तो देखते हैं। नहीं यार अभी मतलब यार टायर पता नहीं फ्री मार रहे क्यों, शायद तक इसको अपने को पहले आगे करना पड़ेगा, पहले मेरे को लगता है गाड़ी को आगे करना पड़ेगा, लेकिन मैं ट्रक को पहले एक बार ऊपर उछाल के बाद में देखते हैं कि अब बाद में ऊपर आगे चीज साइड में चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, अभी ट्राई करके देखते हैं। नहीं यार अभी भी नहीं चढ़ रहा, मतलब कि शायद तक यहाँ पे कुछ अटका हुआ है, तो पहले तो गाड़ी को आगे लेते हैं उसके बाद में चढ़ाने की ट्राई करते हैं इसके ऊपर, क्या पता है उसके बाद में आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता है ट्रक शायद आ नहीं पाएगा इसीलिए इससे आगे नहीं जा रहा है। तो एक सेकंड इसको आराम से खड़ा करते हैं, उसके बाद में अपन ट्रक को लेके, हाँ बस बस आराम अभी अपन ट्रक को लेके चलते हैं अंदर की साइड में, अभी आ जाना चाहिए यार। हाँ बस आओ भाई, चल 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 चल, हाँ बस आ गया आ गया, बस आओ भाई, बस बस थोड़ा आओ, आधा आधा आधा, हाँ बस 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 भाई एकदम पूरा लोड तो हो चुका है, अभी शायद तक ये बंद होगा कि नहीं होगा, ये मेरे को लग मतलब पूरा एकदम फिक्स लोड हुआ है, थोड़ा पीछे साइड में निकला हुआ लेकिन टायर दोनों के दोनों अंदर आ चुके हैं। ओ नहीं 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 यार इसमें तो कभी ऊंचा हो गया, तो इसको पहले तो वापस नीचे करते हैं। हाँ अभी थोड़ा सही लग रहा है, तो अभी जल्दी से चलते हैं अपन, और बाकी ये वाली गाड़ी वुड़ी सब कुछ अपन बाद में ले लेंगे, अभी तो अपने को घर पर चलना पड़ेगा, क्योंकि घर पे यार मेरे को खाना वाना भी उनको डालना पड़ेगा, क्योंकि मुर्गी के पास रात को डाला था, वो यार रात आते ही पूरा खाना सफा चट कर जाते हैं, उनको खाना डालने के लिए मैंने जल्दी से चलना पड़ेगा। बाकी यार गाड़ी को मेरे को लगता है वी मोड चलाना पड़ेगा, क्योंकि यार गाड़ी बिल्कुल ऐसे चल रही है, अभी सामने की रोड में कोई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो गाड़ी को अपने को वी मोड में ही चलाना पड़ेगा, और इसमें चलाने में मेरा मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। और आप भी कमेंट बताना आपको इस वाले देखने में ज़्यादा मज़ा आता है कि वैसे ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी मैं भगाते भगाते जल्दी से यार पहुँचने वाला हूँ अपने घर पर, और ये घर बनना मतलब पहले आगे की साइड से लेंगे, इस साइड से नहीं लेने वाले अपने गाड़ी को, अपन आगे की साइड से लेने वाले गाड़ी को, आराम से घुमा के यहाँ पे बस ठुक भी ना जाए गाड़ी भी, आगे चलाते हैं तो इतनी ज़्यादा ठुकती नहीं है, बैक करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इसको, आराम से बस 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 बिल्कुल 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 बस के बच के बस, अब तो आ जानी चाहिए आराम से पीछे की साइड में। ट्रक भी, हाँ ट्रक भी अपना बिल्कुल आराम से आ चुका है, बीच में नीचे वीचे भी कहीं नहीं गिरा, आराम से आ गया, वरना अगर अपन गेट बंद करते ना पीछे वाला तो यार पीछे की साइड से उठ जाता है, तो इसको अपन आराम से लेके भी आ चुके हैं, तो इसको भी अपन नीचे उतारते हैं ट्रक को। बाकी यार देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने ट्रेलर के साथ, ट्रक काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसको मैं ट्रेलर में और भी कुछ सामान लेके आ सकते हैं, लेकिन आज तो अपन ट्रक ही लेके आए हैं, वरना तो अपन काफ़ी ज़्यादा बोरियाँ और काफ़ी ज़्यादा सामान लेके आ सकते हैं खाने पीने का, लेकिन यार इसका नाम ही कार ट्रेलर है, मतलब सिर्फ गाड़ी लाने के लिए ट्रेलर है, खाने वाने लाने के लिए तो अपने पास ट्रक है, और जितना भी ट्रेलर इसके अंदर अपन गाड़ी लाने के लिए है, लेकिन इसके अंदर अपन खाना भी लेके आ सकते हैं। तो ट्रक को पहले तो लगाते हैं पार्क में, उसके बाद में अभी मैं शाउट आउट दे देता हूँ, पहले तो जी कटारिया शाउट आउट टू यू, लव यू ब्रदर, और एक हमने गेम्स न्यूज़ शाउट आउट टू यू ब्रो, लव यू ब्रदर, और पवन मीणा शाउट आउट टू यू, लव यू ब्रदर, एस वी चेतन शाउट आउट टू यू, लव यू ब्रदर, गोपाल साहू शाउट आउट टू यू, लव यू ब्रदर, एज ए गेमर शाउट आउट टू यू, लव यू ब्रदर, और अपने सबीर शाउट आउट टू यू, लव यू ब्रदर, और लास्ट अपने हेमंत शाउट आउट टू यू, लव यू ब्रदर। और बाकी भाई जितने भी भाई बच गए हैं उनके लिए रियली सॉरी यार, अगर उनका नाम छूट गया हो तो, बाकी अगले वाले एपिसोड में मैं बोल देंगे उनके नाम भी, मैं देख लूँगा सभी के। और बाकी आज की वीडियो यहीं तक गाइस, और कल का पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कल अपन बेचने वाले 50 सूअर, देखने वाले अपनी प्राइस कितनी होने वाली है। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाकी कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर।